तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई को पत्र लिखा, किसान आंदोलन पर सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है और स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को यह पत्र लिखा गया है, एसोसिएशन ने सीजेआई को यह पत्र लिखा है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी, विक्रांत क्या अपडेट? एसोसिएशन की तरफ से देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ झा साहब को पत्र लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि सरकार ने किसानों के इस आंदोलन को सुलझाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं, उसके बावजूद एक बार फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और पिछली बार के किसान आंदोलन का हवाला देते हुए लिखा गया है कि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से हर जगह काफी दिक्कतें लोगों को हुई थी, कई तरह की परेशानियां हुई थी, तो इस बार जो दोषी इस मामले के हैं किसान, उनके खिलाफ मोटो एक्शन लेने का अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ बार काउंसिल की तरफ, बार एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो वकील आज की सुनवाई पर इस आंदोलन के कारण कोर्ट में देश भर में ना जा पाए तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रतिकूल आदेश ना पारित किया जाए, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से कई जगह रास्ते बंद हैं, कई जगह लोगों को रोका जा रहा है। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन पर यह पत्र लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिखा है कि किस तरह से आम लोगों को दिक्कत आती है उस पर स्वतः संज्ञान लें सीजेआई, यह पत्र लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत यादव इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। आइए